तब्दीली सरकार की नई रवायत। ईवान वजीर आला में बड़े खाने के लिए फर्शी तकरीब। वजीर आला ने अफसरान और मुलाजमीन के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। मटन बिरयानी, चिकन कौरमा, जर्दे से तवाजो। मुलाजमीन से फर्द अफराद मुलाकात, हाल अहवाल पूछा। मुलाजमीन को 4 माह का इजाफी इजाजिया देने का भी ऐलान। वजीर आला का कहना है कि प्रोटोकॉल कल्चर खत्म कर रहे हैं, दावे नहीं करते बल्कि तब्दीली लाते हैं। हमजा शहबाज 1 घंटा 45 मिनट से नैब ऑफिस में मौजूद। नैब टीम के हमजा शहबाज से असासों और रमजान शुगर मिल के लिए पुल की तामीर से मुतालिक सवालात। हमजा शहबाज का मुतादित सवालात के जवाब देने से गुरेज। नैब ऑफिस के बाहर लीगी कारकुन जमा, कायद की वापसी का इंतजार, नारेबाजी। आज करप्शन के बादशाह करप्शन की बारात लेकर नैब ऑफिस पहुंचे। करप्शन के बाराती नारे मारते और नाचते रहे। क्या हमजा शहबाज ने कश्मीर फतह किया या लाल किला पर परचम लहराया जो कि विक्ट्री का निशान बनाया। हमजा शहबाज की पेशी पर फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। प्रोडक्शन ऑर्डर खत्म, शहबाज शरीफ को कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। पीआईए की फ्लाइट दस्तयाब न होने के बायस शहबाज शरीफ को कल सुबह लाहौर लाए जाने का इम्कान। शायरे मशरिक हकीम उल उम्मत और अजीम सूफी हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 141वां में पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मजार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने फराइज संभाल लिए। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। नेवी स्टेशन कमांडर नेमतुल्ला ने परेड का मुआयना किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार की मजार इकबाल पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात लिखे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की भी अपनी अहलिया के हमराह मजार पर हाजिरी। रेंजर्स मेजर जनरल साकिब महमूद मलिक की मजार इकबाल पर हाजिरी, फातिह खानी। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। जनरल ऑफिस कमांडिंग गैरिजन मेजर जनरल मोहम्मद आमिर की भी मजार पर हाजिरी, फूल रखे, फातिह खानी। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद और डिप्टी कमिश्नर सोलेहा सईद की भी हाजिरी। वजीर आजम इमरान खान कल लाहौर आएंगे। दाता दरबार के सामने पहले मुसाफिर खाने का संगे बुनियाद रखेंगे। पंजाब हुकूमत पहले मरहले में लाहौर में 5 शेल्टर्स कायम करेगी। दाता दरबार के करीब मुसाफिर खाने की तामीर के लिए खुदाई का काम जारी। डिप्टी कमिश्नर सोलेहा सईद का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर स्कूलों की फंड्स की अदायगी का मामला, वजीर आला पंजाब का नोटिस। पार्टनर स्कूलों की फंड्स की अदायगी के लिए समरी की मंजूरी दे दी। स्कूलों की फंड्स के इजरा में ताखीर नहीं होनी चाहिए, वजीर आला की हदायत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अनवारुल हक का तारीखी इकदाम। मुल्की तारीख की पहली शाम की अदालत के इफ्तिताह की तैयारियां। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अनवारुल हक दोपहर 2 बजे इफ्तिताह करेंगे। अदालत 2 बजे से शाम 5 बजे तक बच्चों की हवालगी से मुतालिक केसेस की समाअत करेगी। कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जे का मामला, हाई कोर्ट के अहकामात पर एलडीए का आर्किटेक्ट सोसाइटी में ऑपरेशन। कब्रिस्तान की 15 मरले अराजी वागुजार। बागीची शाह चिराग कब्रिस्तान की अराजी पर मौजूद घरों को मिसमार किया जाए, हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत की 15 नवंबर से मिसमारी ऑपरेशन शुरू करने की हदायत।
सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में अदम नुमाइंदगी, पीएमएस अफसरान का 10वें रोज भी खामोश एहतजाज। अफसरान नमाज जुमा के बाद चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के सामने कतार बनाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इमरान खान ने इकबाल की शायरी से नए पाकिस्तान का तसव्वुर लिया। आज की फिक्र आने वाले सालों के हालात का तायुन करेगी। सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल का तकरीब से खिताब। ऐवान इकबाल में यौम इकबाल की पुरवकार तकरीब। मुख्तलिफ मकतबा फिक्र से वाबस्ता अफराद की शिरकत। अलामा मोहम्मद इकबाल की बहू जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद की प्रोग्राम जागो लाहौर में शिरकत। नौजवान नस्ल को इकबाल के अफकार की पैरवी का पैगाम दिया। और जहनी अमराज में मुब्तला माजी की मारूफ अदाकारा रूही बानो पुर इसरार तौर पर लापता। 24 घंटे गुजरने के बावजूद पुलिस रूही बानो को सुराग लगाने में नाकाम। रूही बानो एक साल से अपनी बहन के घर गुलबर्ग में रिहाइश पजीर थी। अहले खाना ने कोई दरख्वास्त नहीं दी। पुलिस हुकाम